सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणाआधी त्याची मॅनेजर दिशा साली यांच्या घरी कोणतीही पार्टी झाली नाही असं तपासात उघड होत असल्याचं मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी म्हटलंय. दिशा सालियन तिच्या प्रियकराच्या घरी होती. त्या ठिकाणी तिचे 5 मित्र आणि मैत्रिणी उपस्थित होते. ती काही काळ तणावामध्ये होती आणि तणावातून तिने आत्महत्या केल्याचा संशय आहे असं परमबीर सिंग म्हणाले. सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणी 56 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले असलं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सुशांत सिंग राजपूतनेही मानसिक तणावातूनच आत्महत्या केल्याचा संशय असल्याचंही ते म्हणतायत. राजपूतच्या कुटुंबाचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यांनीही कुणावरती हा आरोप केला नाही असंही परमबीर सिंग यांनी म्हटलंय. Sir, there have been a lot of speculations regarding Sushant Singh Rajput case. The Bihar police is here. One of the officers has been quarantined. And there are a lot of theories being floated. There was a party, there was a connection to Disha Salian's case. What is the Mumbai police's take on this? Sabse pehle to, I would like to answer your question about the death of Shri Sushant Singh Rajput. On 14th June, बांद्रा पुलिस स्टेशन उनको ये खबर आई थी कि श्री सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कुछ दुर्घटना हुई है. देयर आफ्टर आवर पुलिस ऑफिसर रश देयर एंड दे टॉक टू दे फाउंड श्री राजपूत बॉडी एक बेड पे रखी गई थी. जो भी घटनाक्रम था और कुछ जो वहाँ थे उनकी मदद से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया. हमारे लोग लेके गए थे ना हॉस्पिटल. हमारे लोग ही लेके गए थे बॉडी को हॉस्पिटल. हॉस्पिटल तो हमारे लोग था. सो हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया. हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनके बयान नोट किए गए. उनकी एक सिस्टर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी. घर के जो लोग थे उनके बयान नोट किए गए. जो ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को जो बुलाया गया था उसका बाद में बयान नोट किया गया और जो एविडेंस थी वहाँ पे पंचनामा किया गया एंड पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया एंड 15th जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कलीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहाँ पर आई तो फ्लैट को अनसील किया गया. पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स द्वारा एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया था. जो अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ है 56 लोगों की अब तक स्टेटमेंट्स ली गई हैं. एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं. उनका जो गैजेट्स थे उनका लैपटॉप या फोन्स उसको एग्जामिन किया जा रहा है और एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने आज तक किया है. बांद्रा पुलिस कर रही है एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर जोन 9 मिस्टर अभिषेक त्रिमुखी ने सुपरवाइज किया है. इट अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है. जितने भी इसमें पॉइंट आते गए वेरियस स्टेजेस पे चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का पॉइंट था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का पॉइंट था हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का पॉइंट था सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में एग्जामिन किया है और किसी को भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में स्पेयर नहीं किया है. चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो सबको बुलाया गया इंट्रोगेशन किया गया है एंड अभी भी आ रहा है इंट्रोगेशन चल रहा है. जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइडल डेथ या अननेचुरल डेथ होती है उसमें प्रोसीजर के हिसाब से CRPC 174 के हिसाब से एक ADR दाखिल किया जाता है. एक ADR जो नंबर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का 43/20 उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है. सवाल ये उठ रहे हैं कि परिवार ने बिहार में एक FIR रजिस्टर किया है और यहाँ पे आप जो हमने पुलिस से अब तक बात की है वो कह रहे हैं कि जो इल्जाम उन्होंने बिहार में लगाए हैं वो उन्होंने मुंबई में नहीं लगाए हैं. क्या परिस्थिति है? सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों के भी 16 तारीख को बयान नोट किए गए थे. उनके पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह उनकी 3 बहनों के बयान और उनके ब्रदर इन लॉ के बयान नोट किए गए थे. ब्रदर इन लॉ का नाम है श्री सिद्धार्थ तंवर. श्री सिद्धार्थ तंवर उनकी सिस्टर है नीतू सिंह एंड प्रियंका इनके बयान नोट किए गए थे. उन्होंने
बयान में किसी के ऊपर शक व्यक्त नहीं किया था, सस्पिशन किसी के ऊपर नहीं दिखाया था, और एक दो बयान में ऐसा भी आया था कि प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिस इलनेस के लिए, उसके कारण से हो सकता है उन्होंने सुसाइड की हो, लेकिन ऐसा क्लियरली सभी ने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी के ऊपर उनको शक नहीं है। जो सबसे पहली स्टेटमेंट जो बिहार में कंप्लेंट की गई है वो श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने दर्ज की है, लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने टाइम में दी थी वो मुंबई पुलिस को 16 तारीख को दी थी, और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सैंक्टिटी लॉ अटैच करता है, क्योंकि आपको उसको बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इट इज़ द अनकरप्टेड वर्जन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पर्सन, तो वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने परिवार के सदस्यों को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, लेकिन उसके बाद नहीं आई, उनकी बहनों को आगे फर्दर कॉरोबोरेशन के लिए बुलाने की कोशिश की। उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर बाद में आकर हमारे जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, तब भी उन्होंने कोई शिकायत व्यक्त नहीं की। वो प्रॉपर्टीज विजिट करना चाहते थे जहाँ उनका सामान था, उसको चेक करने के लिए, बाकी कार्य के लिए। और ये जितनी स्टेटमेंट्स हुई परिवार के सदस्यों की, उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी। और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं, हमारे ACP भी मौजूद थे, IO ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है, और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। फैमिली ने ये कहा है कि फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेन मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रिहेंसिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद सुशांत सिंह राजपूत, इस कंप्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं? हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेंट है, राइटिंग में कहा है, हमें कॉपी वगैरह अब देंगे तो अवश्य हम उस एंगल से भी। और एक पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ भी अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का CCTV फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का, जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे, उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है।